Hey guys, welcome back to my channel. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय क्रिएशन पे. मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मदर्स डे स्पेशल DIY गिफ्ट. तो फिर चलिए देखते हैं. सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया जिसको अपने शेप में कट कर देंगे. उसके बाद वॉल पुट्टी का पेस्ट बना के उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे. इसको अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे. ड्राई होने के बाद सबसे पहले हम अपना रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. बहुत ही बेसिक सा रफ स्केच ड्रॉ किया है. आई होप सो आप लोग को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा. उसके बाद मैं वॉल पुट्टी जो बना के उसके ऊपर अप्लाई करते होंगी. पानी की हेल्प से हल्का हल्का स्मूथ करते के साथ ही हम इसको कवर अप करेंगे आगे की ओर. तो इसकी स्टार्टिंग मैंने इसके हेयर से की है. सबसे पहले इसके हेयर को मैंने कवर अप किया है. उसके बाद इसके बॉडीज को करूँगी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप. हेयर्स तो हो गए, अब बॉडीज की बारी. तो सबसे पहले मैं उसमें इसके हैंड को अटैच करूँगी. जैसे हमने रफ स्केच किया है उसी के ऊपर जैसे मैंने हेयर को स्टिक किया था उसी तरीके से पानी की हेल्प से इसको चिपकाते हुए स्मूथ करते हुए इसको कवर कर देंगे. वाटर से अच्छी तरीके से स्मूथ करते जाऊंगी क्योंकि ये वॉल पुट्टी डो है तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है तो हमारे डिटेलिंग आगे की नहीं हो पाएगी. तो इसको अच्छे से स्मूथ कर देंगे जिससे हमें कलर अप्लाई करने में भी आसानी हो. तो इनकी बॉडीज तो पूरे हो गए, अब आई डिज़ाइंस की बारी. तो इसको मैंने चांद शेप भी दिया है तो अब उस चांद को मैं वॉल पुट्टी जो से कवर कर दूँगी. इसको भी एकदम स्मूथ करते हुए हमारा प्रोसेस आगे बढ़ाना है. ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब इस पर फिर से हम वाटर अप्लाई करते हुए इसकी किसी भी स्टिक की हेल्प से इस पर डिटेलिंग्स करेंगे, इनके हेयर्स में डिटेल करेंगे. उसके बाद हम बूट की कॉर्नर में वाटर अप्लाई करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइंस बनाएंगे. इसका रफ स्केच ड्रॉ मैंने नहीं किया था तो इसे मैंने ट्रीज के जैसे डिज़ाइन किया. उसके बाद उसको भी पानी के हेल्प से स्मूथ करते हुए अच्छी तरीके से बोर्ड पे सेट कर देंगे. इसमें भी स्टिक के हेल्प से हम कुछ डिटेल ऐड कर देंगे और फिर हम कुछ इसके स्ट्रिप्स टाइप करेंगे. उसके बाद उसको भी एक झूले की शेप में करते हुए स्टिक कर देंगे वाटर के हेल्प से स्मूथ करते हुए. अगेन हम इसमें भी कुछ डिटेल ऐड कर देंगे उसी तरीके से हल्की हल्की सी जिससे ये और सुंदर लगे. और कुछ स्ट्रिप्स लेके इसमें और ब्रांचेस ऐड करेंगे. उसके बाद कुछ वॉल पुट्टी बॉल्स बना के उस पर स्टिक करते जाएंगे और उनमें कुछ स्टिक से होल्ड करते जाएंगे सो हमारा एक फ्लावर जैसा बन जाएगा. उनको स्टिक करते के साथ ही हम स्मोक भी करते जाएंगे और उस ब्रांचेस में भी मैंने कुछ उसी तरीके से फ्लावर्स ऐड कर दिए. सो हमारा अब तक का फाइनल कुछ इस तरीके से. अब इसको हम कम्प्लीटली ओवर अ नाइट एंड 12 आवर के लिए ड्राई होने देंगे अच्छी तरीके से. उसके बाद हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे. सो ये हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो गया है. अब इसकी कलरिंग की बारी. सबसे पहले हमने जो इसके साइड में ट्रीज वाले ब्रांचेस दिए उस पर ब्राउन कलर करेंगे. सबसे पहले ब्राउन कलर से कलर कर दूंगी इनके साइड्स में भी जो है और ये जो हमने झूला टाइप का भी जो दिया था उसको भी ब्राउन ही कलर से करेंगे क्योंकि वो ब्रांचेस पार्ट है. ये तो कंप्लीट हो गया. अब इसकी फ्लावर्स की बारी. तो इनकी फ्लावर्स को मैं रेड कलर से करूंगी.
येलो कलर से कलर किया है, जो कि स्टार्टिंग में डार्क शेड देते हुए इसको लाइट पे करेंगे। मैंने इसको डार्क कलर से कवर कर दिया, उसके बाद व्हाइट कलर लेके इसको लाइट शेड में कर दे। तो हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारी की कलरिंग की बारी, तो सबसे पहले हम इसके हेयर से स्टार्ट करेंगे, जिसको मैंने ब्लैक कलर से स्टार्टिंग में कलर किया है। सो हेयर तो कंप्लीट हो गया। अब आई ड्रेसेस की बारी, तो इसकी ड्रेसेस को मैंने पिंक कलर को दिया है और बेबी की ड्रेसेस को ब्लू कलर से। अब बारी आई फेसेस की, उस पे ऑरेंज एंड व्हाइट का मिक्सअप करते हुए उसको लाइट करते हैं, इसके फेस पे अप्लाई करेंगे एंड हैंड्स पे भी। अब टाइम आई डिटेलिंग की। मैंने डिसाइड किया है इस होल आर्ट पीस की डिटेलिंग में व्हाइट कलर से करूँगी, क्योंकि ये टैग सेट में है। तो इसके फ्लावर से स्टार्ट करूँगी, इनके फ्लावर्स में व्हाइट कलर से डिटेल्ड करूँगी, इनको बीच में कुछ डॉट्स इनके डालूँगी, जिससे ये और सुंदर दिखे। फ्लावर की डिटेलिंग करते के साथ ही मैं इनके ब्रांचेस में भी व्हाइट कलर से स्टार्टिंग में डिटेल करूंगी। व्हाइट कलर के बाद कुछ उसमें ब्लैक कलर से साइड से डिटेल करूंगी, जिससे ये और सुंदर लगे, क्योंकि ब्रांचेस में ही ब्लैक ज्यादा सूट करेंगे। सो हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गए। अब फिर से आई इसकी बैकग्राउंड की बारी। सो इसकी बैकग्राउंड की डिटेल में इनके हर साइड से कॉर्नर से मैं व्हाइट कलर से हल्का हल्का शेडिंग देते जाऊंगी, जिससे इसकी ब्यूटी इनहेंस हो जाएगी और भी। हमारी डिटेलिंग के बीच में ही एक बहुत ही मस्त सा टॉपिक आया, वो है इनके आईज और लिप्स, जो कि मैं बहुत ही सिंपली दूंगी अपने ड्रेसेस पे ब्लैक कलर लगा के, स्मूथली हल्का सा कर्व शेप में डाल दूंगी इनके आईज और उसी तरीके से लिप्स। अब आई इसकी हेयर की डिटेलिंग की बारी, जिसमें मैं ब्राउन कलर से इसको लाइटली हाईलाइट कर दूंगी। ओनली ये वीडियो में नहीं दिखता है, लेकिन रियलिटी में ये लाइट्स देता है। हमारा बैकग्राउंड तो नाइट का है, नाइट में स्टार्स ना हो कैसे होगा, तो मैं इसमें कुछ स्टार्स ऐड करूंगी व्हाइट कलर से। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।